प्रणाम, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं डीएसबीबी टीवी। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम इतिहास से आज में। आज है दिनांक 16 फरवरी 2023, तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 16 फरवरी सन 1982 में जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार कोलकाता में किया गया। साथ ही सन 1987 में पनडुब्बी से पनडुब्बी पर वार करने की क्षमता वाले मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा लता मंगेशकर के नाम से 1984 में राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया और साथ ही 16 फरवरी सन 2008 में पार्श्व गायक नितिन मुकेश को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2010 में हिंदी के प्रख्यात कवि कैलाश वाजपेयी, अंग्रेजी के लेखक बद्रीनाथ चतुर्वेदी और मैथिली के दिवंगत कथाकार मनमोहन झा समेत 23 लोगों को साल 2009 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि गुजराती के लेखक शिरीष जे पांचाल ने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया।